क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी काश अपने फ्रेंड की तरह एप्पल आईफोन 14 मैक्स प्रो यूज कर पाने की अपॉर्चुनिटी मिल पाती? बिकॉज यू डिजर्व इट एटलीस्ट वंस इन द लाइफ टाइम, राइट? और आपका लोगों को देख के ब्रांड परचेज करने का मन काफी करता होगा, जैसे लुई विटों का बैग, डेनियल वेलिंगटन की वॉच या फिर जिमी शू के जूते, जो आप मे बी बाय भी कर लेते होंगे जस्ट ट्राई करने के लिए कि इसमें क्या खासियत है, और बाद में उसकी इंस्टॉलमेंट्स बाकी के मंथ्स आपके बजट पे बहुत भारी पड़ती होगी। आपको कभी ऐसा भी लगा होगा किसी की वेडिंग देख के कि मैं अपनी या अपने बच्चों की शादी भी इतने ही धूमधाम से कर भी पाऊंगा? या चलिए छोड़िए इस बात, कुछ बुराई नहीं है ड्रीम्स देखने में, बिकॉज एट सम टाइम वी डू हैव एस्पिरेशंस फॉर थिंग्स दैट वी डोंट हैव। एंड जब हम कोई लग्जरी कमोडिटी या सर्विस बाय कर लेते हैं आफ्टर अवॉइडिंग एवरी वैलिड रीजन, देन हमें सफर भी करना पड़ता है समटाइम्स। बट डू यू थिंक दिस इज ऑल वर्थ इट? फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने दोस्त को जॉर्डन्स के शूज को फ्लॉन्ट करते हुए देखते हो एंड सोचते हो कि यार मेरी सैलरी इससे ज्यादा है, मैं फिर भी 3 साल पुराने स्नीकर्स पहन रहा हूँ और ये कल का आया लड़का मुझे शो ऑफ कर रहा है। एंड दिस इज वेयर द साइकिल एक्चुअली स्टार्ट्स। नंबर 1, शो ऑफ सिचुएशंस। वी ऑल आर कंपेटिटिव सोल्स बाय हार्ट, मतलब हम कभी कभी जस्ट लोगों से कम्पीट करने के लिए बहुत सी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं होती। जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में दिया था कि किसी ने कोई चीज बाय की तो उसे सामने वाले की ईगो हर्ट हुई, एंड नाउ ही इज थिंकिंग अबाउट स्पेंडिंग हिज मनी ऑन समथिंग ही माइट नॉट वांट, और हो सकता है उसके स्नीकर्स अभी भी अच्छे कंडीशन में हो एंड स्टिल 1 से 2 साल उसके लिए यूजफुल हो। ये तो हो गई हम यंगस्टर्स और न्यू एडल्ट्स की बात, बट वॉट अबाउट पेरेंट्स? वो ऐसा कभी क्यों नहीं करते? लेट मी गेस, क्या आपके डैड ने कभी कार, बाइक, स्कूटर या काउच बाय नहीं किया अपने परिवार में किसी रिश्तेदार को देख के? क्या तुम्हारे मॉम ने कभी जिद कर सोने का हार नहीं बनवाया ये बोल के कि अमित की मम्मी ने अभी से पाई पाई जोड़ के अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बना रही है ताकि शादी में कोई कमी ना पड़े? बट टू बी ऑनेस्ट, आर पेरेंट्स वर वे टू स्मार्ट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन द राइट थिंग्स, बट मे बी द जनरेशन गैप अपना रोल तो प्ले करता ही है। एंड नाउ वी एज अ न्यू जनरेशन गो फॉर थिंग्स जो बाहर से अच्छे हैं, बट कुछ ही सालों में या तो उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है या तो हमारा उनमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो सवाल है क्यों? क्योंकि हमें उस चीज की नीड ही नहीं थी ऑन द फर्स्ट प्लेस। सो शो ऑफ सिचुएशंस वर्स्ट रोल निभाते हैं जब हम दूसरों की देखी की वजह से कुछ भी खरीदने लगते हैं। नंबर 2, एजुकेशन लोन। सी, अगर आपके एस्पिरेशंस एंड गोल्स हैं कोई गोल अचीव करने के एंड यू और योर पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग फॉर इट, देन इट्स ओके एंड अंडरस्टैंडेबल। बट अगर कोई गोल आपका नहीं है एंड यू आर जस्ट बीइंग देयर फॉर द सेक ऑफ योर पेरेंट्स अप्रूवल, और रिलेटिव्स के सामने क्या मुंह दिखाएंगे दे आर डूइंग दिस और दैट, देन यू माइट बी वेस्टिंग योर मनी। हर पेरेंट का ड्रीम होता है कि उनके बच्चों को बेस्ट एजुकेशन मिले, एंड समटाइम्स दे डू रीच द एक्सट्रीम लेवल सो दैट वो एंड्स मीट हो सके। अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स का एग्जाम्पल लें तो हर साल लाखों बच्चे एग्जाम्स देते हैं, वो भी आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन, एंड उनमें से मेजॉरिटी ऑफ बच्चे प्रिपरेशन करने के लिए हाई फाई ट्यूशंस लेते हैं या फिर रिनोन क्लासेस ज्वाइन करते हैं जो लैक्स ऑफ रुपीस के इन्वेस्टमेंट डिमांड करते हैं। सेम गोज फॉर मेनी अदर रिनोन्ड एग्जाम्स दैट टेक्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलो ये तो हो गई बड़ी बड़ी रिनोन्ड एग्जाम्स की बात, बट कुछ हाउसेज में कॉलेज फी भी पे करनी भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, बिकॉज उनके बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस में होते हैं जबकि उनके पास उतने सेविंग्स भी नहीं होते उसे अफोर्ड करने की। ऑब्वियसली ये सब पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन मिले इसलिए करते हैं, बट यही सेम कॉलेजेस फेक नंबर ऑफ प्लेसमेंट एंड हाई फाई इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा के आपके बस रिसोर्सेज को ड्रेन करते हैं। यूजली यही कॉलेजेस फेक प्लेसमेंट करवा के डील्स कर लेते हैं कंपनी से, एंड यही सेम प्लेसमेंट कंपनीज 1 ईयर जॉब करवाते हैं एंड उसके बाद फायर कर देते हैं यूजली। इससे बेटर ऑप्शन है कि आप एक अफोर्डेबल कॉलेज में एडमिशन लो एंड वर्क ऑन योर स्किल्स, ताकि 3 साल बाद जब आप मार्केट में निकलो तो आपको जॉब मिलने में कभी कमी ना पड़े स्किल्स की वजह से। आजकल डिग्री से ज्यादा आपकी स्किल्स नोटिस की जाती है, सो आप उस पे फोकस करें। नंबर 3, वेडिंग तो ग्रैंड ही होनी चाहिए। वी नो हाउ मच आवर पेरेंट्स लव अस, एंड इसलिए वो शायद हमारे लिए खर्चा अपनी जेब से बड़ा करने की कोशिश करते हैं। एंड यू माइट हैव आल्सो हर्ड ऑफ देम सेइंग कि तेरी शादी में धूमधाम से करूंगा। इस धूमधाम वाली शादी में मोस्टली खर्चा 10 लाख से कई गुना ऊपर जाता पता नहीं चलता। अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाने के बाद भी समटाइम्स मैरिजेस 1 साल भी स्टे नहीं करती। प्लस इफ वी सी डिवोर्स रेट इन इंडिया देन इट्स इंक्रीजिंग एवरी ईयर। बट हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने लाडली या लाडली की शादी में भी कंजूसी करो या फिर आप खुद की ड्रीम वेडिंग ना करो। वी हैव सम सॉल्यूशंस फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सेरेमनी एंड वेडिंग में कम से कम लोगों को बुलाएं, दोनों ग्रूम एंड ब्राइड की साइड से, स्पेसिफिकली ब्लड रिलेशंस को। एंड ऐसा करने से वो लोग क्या कहेंगे जिनकी शादियों में हमने खाया है? आई नो आप यही सोच रहे होंगे, बट रिसेंटली अगर हम सेलिब्रिटीज की वेडिंग को भी ऑब्जर्व करें तो उन्होंने भी अपनी वेडिंग में सिर्फ गिने चुने लोगों को ही बुलाया।
नॉट बिकॉज वो पैसा नहीं खर्च कर सकते थे, बट शादी इस तरह से करने से वेस्टेज बचती है। प्लस यू डोंट हैव टू मेक श्योर अबाउट पीपल जजमेंट, क्योंकि सब आपके रिलेटिव्स या परिवार के ही लोग होंगे जो नो मैटर व्हाट आपको ब्लेसिंग्स ही देंगे एंड हर चीज को बेस्ट बनाने में आपका साथ देंगे। सो गाइस, लिमिट योर बजट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना बजट 10 लाख से एक्सीड ना होने दो एट एनी कॉस्ट। एंड अगर आपके पास अच्छा बजट है तब भी स्पेंड ना करके उसमें से मेजोरिटी सेव करो, ताकि आप उससे आफ्टर मैरिज प्लान्स में यूटिलाइज कर सको, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी खरीदना, ट्रिप्स और इवन प्रेगनेंसी। नंबर 4, सोच समझ के चीजों को बाय करें। जैसा कि हमने आईफोन 14 प्रो मैक्स की बात करी थी ऊपर, कि इफ अगर आपको कोई ब्रांडेड आइटम बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो पहले उसका प्राइस माइंड में रखते हैं। एंड इस केस में फोन का प्राइस 1,90,000 के अराउंड पड़ेगा। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस कि आपको इसकी नीड नहीं होगी, बट हाँ, ड्रीम जरूर होगा इसे बाय करने का। इवन इफ वी एक्सपेक्ट कि चलो आपको नीड है इतने कॉस्टली ऑब्जेक्ट की, तो आपके पास एटलीस्ट 2 लाख रेडी होने चाहिए। जब भी आप कोई भी कमोडिटी पे इन्वेस्ट करने का सोचो तो हमेशा ये माइंड में रखें कि नंबर 1, मुझे इसकी एक्चुअली नीड है या मैं सिर्फ दूसरों को प्रूव करने के लिए अपने पैसे वेस्ट कर रहा हूँ। नंबर 2, जो चीज मैं बाय कर रहा हूँ उसके लिए मुझे लोन तो नहीं उठाना पड़ेगा। लोन उठाना कोई बेनिफिट चीज नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एक्चुअल अमाउंट से ज्यादा मनी देना पड़ता है इंटरेस्ट की वजह से। एंड जो भी reasons हो, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी liability बन जाएगा फॉर अ लॉन्ग टाइम। नंबर 3, ट्राई करें कि आप पहले उतना सेव कर लें जिसमें आप वही सेम कमोडिटी 2 बार बाय कर सकें। इससे आपका पूरा पैसा भी फिनिश नहीं होगा और आपको गिल्ट भी फील नहीं होगा कि इस चीज पे पैसा बर्बाद करने से बेटर मैं सेव कर लेता। अब जब सब कुछ डिसाइड हो जाए तो सेम कमोडिटी को बेस्ट प्राइस में फाइंड करें या बेस्ट डील फाइंड करें एंड चेक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, ताकि आपको डिफरेंस समझ आ सके दोनों के प्राइसेस में। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि पेरेंट्स अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर एक घर बनाते हैं, बट जब उसमें रहने की बात आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो उस घर में रह ही नहीं पाते, कई सारे रीजंस की वजह से। चाहे वो आपसे उनका लगाव हो, या फिर आपकी जॉब शिफ्ट होती रहती हो, या फिर और कोई रीजन हो, तो बेनिफिट यहाँ वो प्रॉपर्टी खरीदने का बहुत कम हो जाता है। और हो सकता है जब तक आप वहाँ रहने के लिए प्लान करो तो आपको उसके रिनोवेशन पे और पैसा लगाना पड़े। ऐसी कंडीशन में रेदर देन बाइंग 1 बिग हाउस, मल्टीपल प्रॉपर्टीज बाय कर लो सेम बजट में। एज वी नो, हर एरिया में प्रॉपर्टी के प्राइसेस अलग होते हैं एंड चांसेस ये भी हो सकते हैं कि फ्यूचर में किस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के प्राइसेस 3-4 गुना बढ़ जाएं और इजिली आप उससे अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सको। मोर ओवर, अगर आप या आपके बच्चे शादी करते हैं और आप लोगों को एडजस्ट करने में इशू आते हैं, तो आप में से कोई भी कपल दूसरे प्रॉपर्टी में रह पाएगा। इससे नंबर 1, आप सेविंग्स को रेगुलेट कर पाएंगे। नंबर 2, आप मल्टीपल एरियाज प्राइस बेनिफिट एंजॉय करेंगे। नंबर 3, आपके या आपके बच्चों के लिए एसेट्स बिल्ड हो जाएंगे। नंबर 4, और आप सेम प्रॉपर्टी को रेंट पे देकर उसके बेनिफिट्स एंजॉय कर सकेंगे। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर हम या हमारे पेरेंट्स स्पेंड करते हैं अनकॉन्शियसली। अगर हम एनालाइज करें तो ना जाने कितना पैसा हम ऐसे चीजों पे वेस्ट करते हैं जो हमें कभी चाहिए ही नहीं होते, चाहे वो महंगे ब्रांड्स पे इन्वेस्ट करना हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे। हालांकि आज के जमाने में कुछ भी सस्ता नहीं है, बट अगर आप एटलीस्ट 10% अपने सैलरी का सेव करके चलें और अपनी शॉपिंग हैबिट्स में बदलाव लाएं, तो आप इससे भी डबल सेव कर पाएंगे और आपके पास कम बिल्स होंगे पे करने के लिए एट द एंड ऑफ द मंथ। एट लास्ट, आपकी सेविंग्स ही तो आपकी सबसे बड़ी एसेट है। अगर आप मिडिल क्लास से हो तो आप हमारे मिडिल क्लास से अमीर बनने का रास्ता ये वाली वीडियो जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।